राज्य सरकार द्वारा अलवर के प्याज मंडी में गेहूं खरीद केंद्र खोला गया है, जहां पर अभी तक किसानों ने 37 रजिस्ट्रेशन कराए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर किसान जो है गेहूं की जो जींस है वो लेकर नहीं पहुंचे। ये जो खरीद केंद्र है वो 10 मार्च से लेकर 30 जून तक के लिए यहां खोला गया है। अब हमारे साथ में यहां के जो लिपिक है उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहां पर किस तरह ये केंद्र खोला गया है, किसान किस तरह रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सर, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। किस तरह यहाँ पर पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन ई मित्र पे हो रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की लिस्ट हमारे पास जितने हुए हैं 3700 की आ चुकी है और किसान को 2275 प्लस 125 बोनस यानी 2400 रुपये प्रति क्विंटल हम किसानों को देंगे, गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। और जैसे ही हमारे पास जींस आने लगेगी हम उसको देंगे। अभी किसानों के कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? 37 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अभी कोई किसान लेकर आया है? अभी तक कोई किसान गेहूं लेकर नहीं आया है। जैसे किसान लेकर आएगा हम उसको करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में किस तरह की पूर्ति की जा रही है? डॉक्यूमेंट्स में उनकी गिरदावरी है और बैंक की पासबुक है और आधार कार्ड है, वो डॉक्यूमेंट्स उनको यहाँ लेके आने होंगे, लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। जी, हमारे साथ में जो यहाँ पर जो कर्मचारी है उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो किसान जिनसे लेकर आएगा उसको 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। अब हम आपको सरकारी गेहूँ खरीद केंद्र के बाहर जो लगे हुए बैनर है हम उसको आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो बैनर है गेहूँ खरीद के लिए लगाया गया है, 10 मार्च से 30 जून तक के लिए ये जो गेहूँ खरीद केंद्र खोला गया है। यहाँ पर 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है किसानों को यहाँ पर गेहूँ का दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है किसान अभी अपने गेहूँ की किसी भी तरह की कोई जींस लेकर नहीं आया है। अब देखना होगा कि कब तक यहाँ किसान अपनी गेहूँ की जींस लेकर आता है, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पर जो है पूरी तरह सन्नाटा नजर आ रहा है। सिर्फ एक ही कर्मचारी यहाँ बैठा हुआ है, उन्होंने हमको यहाँ बताया कि इस तरह यहाँ पर जो गेहूँ खरीद केंद्र खोला गया है पूरी प्रक्रिया के साथ में यहाँ पर 37 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। नितिन शर्मा, अलवर।